सो इस क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करें तो जो एक्स और वाई का वैल्यू है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। सो वाई इज इक्वल टू 1/x, तो वी कैन से एक्स वाई इज इक्वल टू 1। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो 3x² - 3y² + 4xy, तो एक्स वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 3 x + y (x - y) + 4, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो 3 x का वैल्यू हो जाएगा √5 + √2 / √5 - √2 + y का वैल्यू √5 - √2 / √5 + √2 × x - y, यानी √5 + √2 / √5 - √2 - √5 - √2 + 4। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 times, तो इसको इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा a - b, a + b, तो a² - b² (5 - 2), और ये क्रॉस मल्टीप्लाई √5 + √2 का होल स्क्वायर सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा। सो √5 + √2 का होल स्क्वायर - √5 - √2 का होल स्क्वायर / 5 - 2 + 4, तो ये आएगा 1/3 × √10 × 2 × 5 + 2, तो विच इज़ 56/3 √10 + 4। सो इसमें 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 56 √10 + 4 की जगह 12 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1/3 कॉमन लिया है।